जय हिंद फ्रेंड्स, मैं मुकेश सिंह आज फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के पाइपिंग ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो टॉपिक है एल्बो रेडियस, यानी पाइप की डिग्री तो हमने पिछले वीडियो में सीख ली है। आज हम सीखेंगे कि एल्बो कि रेडियस कितने प्रकार के होते हैं और कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स बताते हैं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में तो हमने सीख ली थी एल्बो होता क्या है, यानी एल्बो एक ऐसा पाइपिंग कंपोनेंट जो कि डायरेक्शन को चेंज करने, यानी लाइन को आगे नहीं ले जा करके एक दूसरे डायरेक्शन में लेने के लिए यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, एल्बो जो है ये प्रेशर ड्रॉप के अनुसार अलग अलग रेडियस के यूज होते हैं। जैसे कभी कभी हमें थोड़ी सी ज्यादा दूरी लेकर के मुड़ना होता है, कभी कभी एकदम से कम दूरी में मुड़ना होता है, तो इसे ही हम रेडियस बोलते हैं। ये जो रेडियस बनता है इसे जो हम पाइपिंग में जो यूज करते हैं एल्बो, वो दो टाइप के रेडियस यूज होते हैं। ग्लोबली ऐसे इंडियन स्टैंडर्ड में तीन टाइप के एल्बो यूज होते हैं, शॉर्ट रेडियस, स्टैंडर्ड रेडियस एंड लॉन्ग रेडियस, उसके बाद एक्स्ट्रा लॉन्ग रेडियस होता है। लेकिन फ्रेंड्स, ग्लोबली जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड में दो रेडियस फॉलो किए जाते हैं, एक है शॉर्ट रेडियस एल्बो, दूसरा है लॉन्ग रेडियस एल्बो। उसके आगे जितने होंगे एक्स्ट्रा लॉन्ग रेडियस एल्बोज के अंदर आते हैं। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के तौर पे शॉर्ट रेडियस जो होता है यानी कि ये हमारा एल्बो हुआ, तो ये जो रेडियस बनाता है, ये रेडियस जो है इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है जितना इसका एनपीएस है, जो इसका एनबी है उतना ही, यानी 1 into NPS। जैसे 12 इंच पाइप का एल्बो, तो उसका जो शॉर्ट रेडियस एल्बो जो होगा उसका 12 इंच ही होता है। लेकिन अब बात करते हैं लॉन्ग रेडियस की। लॉन्ग रेडियस का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला 1.5 into NPS, यानी अगर 12 इंच का ले लें 1.5 = 18 इंच, और इसे एमएम में कन्वर्ट करने के लिए इस मान से
25.4 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा एमएम में आ जाएगा। और फ्रेंड्स इसके बाद जो भी और जो इससे बड़े जो रेडियस लेकर के एल्बो बंदे हैं उन्हें सबको एक्स्ट्रा लॉन्ग रेडियस के अंदर रखा जाता है, जैसे 3D, ये डी जो है ए एन पी एस, 3D, 4D, 5D इटसेट्रा, ये सब कैटलिस्ट वगैरह जो पाउडर वगैरह वाली लाइन में ज्यादा करके यूज होते हैं बड़े बड़े जो लॉन्ग रेडियस। ऐसे तो प्रोसेस प्लांट रिफाइनरी वगैरह में तो दो ही शॉर्ट रेडियस और लॉन्ग रेडियस यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स और ये एल्बोज जो है ये इसके कुछ अलग अलग टाइप भी होते हैं, ये तो रेडियस के अनुसार उन्होंने बताया है। जैसे लॉन्ग रेडियस, शॉर्ट रेडियस एल्बोज और रिड्यूसिंग एल्बोज भी होता है। ये लेटेस्ट वर्जन है एल्बो का, पहले के सिस्टम में नहीं था। अभी इससे बेनिफिट क्या है कि हम उस लाइन को अलग डायरेक्शन भी देते हैं प्लस रिड्यूस भी कर देते हैं। ये इसका बनावट ऐसा होता है, यानी यहां का जो साइज होगा यहां के साइज से डिफरेंस होगा, तो ये लाइन को अलग डायरेक्शन भी दे देता है प्लस रिड्यूस भी कर लेता है। इससे यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा है पाइप बेंड, जिसमें कि पाइप को ही हाइड्रोलिक जैक द्वारा बेंड करके बनाया जाता है, खास करके पावर प्लांट वगैरह में, ट्यूबिंग वगैरह में जहां पे यूज होता है। तीसरा बैंड होता है माइटर बैंड, इसमें पाइप को ही कटिंग करके माइटर के शेप में फिर उसको ज्वाइंट करके बैंड बना लिया जाता है, ये कुछ ऐसा दिखता है। सब वेल्डिंग वेल्डन होते हैं, पाइप को ही सीधा सीधा काट करके बनाया हुआ होता है। चौथा है रिटर्न बैंड जो 180 डिग्री का होता है, यानी कि जिस डायरेक्शन से गया होता है उसी डायरेक्शन में फिर ये जो डिग्री बनाता है 180 डिग्री बनाता है, इसको रिटर्न बैंड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी है इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो, और मैं फ्रेंड्स हमेशा आपके साथ आपकी सेवा में हाजिर हूं। और हमने एक ऑफलाइन कोर्स भी चालू किया है, तो इसका भी लाभ उठाना चाहे तो जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और कुछ कमेंट भी करें ताकि और भी इसको अच्छे से किया जा सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स।